दोस्तों नमस्कार। आज एक दर्द के बारे में बात करते हैं। हमारा जो ये पांव है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे शरीर को आगे गतिशील रखने के लिए। बहुत बार एक दर्द आता है जो कि हमारे पैर के इस साइड से अगर हम शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दर्द आता है, जैसे यहाँ से ये वेंस, ये चैनल है हमारी, इस अंगुली से ये सारी चैनल है यहाँ, ये अगर हमारी स्थानीय भाषा में हम कहते हैं तो इसको मुरड़ होना कहते हैं और पैर में क्रैम्प आना कह सकते हैं। हालांकि क्रैम्प मसल्स में आता है, लेकिन ये जो नसें हैं और यहाँ पर जो हड्डियों की और पसलियों की जो चैनल है, इस चैनल में जो क्रैम्प आ जाए, जो खिंचाव आ जाए, उसकी वजह से ये दर्द आता है। देखिए, इसको जो पुराने कुछ लोग थे, गाँवों में होते हैं, शहरों में भी आजकल बहुत कम मिलते हैं, वो तो पकड़ के उसको और इस तरीके से खींचते थे, दर्द निकल जाता था। अब डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, वो ठीक करते हैं तो एक पेन किलर या कुछ भी दवाइयां जो देकर कुछ लंबे समय में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हल्की फुल्की हैं, वो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, जैसे प्रयास कर सकते हैं। देखिए, एकदम से ठीक हो जाए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 70-80% मामलों में जो हमने किसी को बताया और उन्होंने किया तो उनको उसमें रिलीफ मिला है। 2-3 चीज़ें हमें करनी है। क्या करना है, जैसे दर्द होता है, देखिए, या तो यहाँ होता है इस जगह, या फिर ये दर्द यहाँ होता है, या फिर यहाँ होता है, या यहाँ होता है, ये पूरा इतना एरिया जो है यहाँ पर ये दर्द होगा। अब इस दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 5-7 दिन हम लोग को जो है हमारे योग आसन के करते समय, या फिर इसके अलावा सुबह और शाम, 2 टाइम हम कर सकते हैं। जैसे आपकी इस चैनल में यहाँ दर्द है, तो ये जो जोड़ है, इस जोड़ के वहाँ पर एक पॉइंट होगा जो चैनल का जो वेन गया हुआ है, उस वेन में आप ऊपर नीचे करके देखेंगे तो एक जगह, अगर आपको नहीं भी समझ में आए कि कौन सी वेन मेरे को दबानी है, तो एक बार आप अंगुली रख के और इसको यहाँ पर ऐसा महसूस करें, आप 3-4 बार 3-4 जगह दबाएंगे तो एक वेन ऐसी आएगी जिसमें तनाव होगा, खिंचाव होगा, अगर आपके दर्द है तो इस खिंचाव से आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, मेरे वो ही वेन है। अब उस वेन को इस अंगुली से प्रेशर करना है और अंगूठे से, हाथ से जो है, ये पैर के वो अंदर की साइड में, इन अंगुलियों को ऐसे अंदर की साइड में करते हुए ऐसे राउंड करना, ऐसे इस तरीके से, पहले एंटी क्लॉक कैसे भी एक बार, जैसे ये क्लॉक वाइज कर लिया, फिर एंटी क्लॉक कर लिया, ऐसे ये अंगुली यहाँ पर रहेगी और इस तरीके से अंदर की ओर, ये पंजे को ऐसे अंदर की ओर दबाते हुए, इस तरीके से ऐसे दबाते हुए और ऐसे राउंड करना है। इससे क्या होगा कि वो जो चैनल अपनी जगह से जो डिसलोकेट है, वो धीरे धीरे, हल्के हल्के समय पाकर, धीरे धीरे ये अपनी लोकेशन में आने शुरू हो जाएगी, ऐसे इस तरीके। ये दर्द बड़ा खतरनाक होता है, जब होता है तो चलने नहीं देता व्यक्ति को। और दूसरी, पहला ये उपाय हो गया, इसको आप 1-1 मिनट करके और लगभग 3-4 बार कर सकते हैं ऐसे। बस ध्यान ये रखना, पूरा खींचना नहीं है, ऐसे तानना नहीं। कई बार हम होते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, ये ताकत हमें जो है वो नहीं लगानी है ज़्यादा, बस हल्की हल्की उससे पूरा राउंड करना है, क्योंकि इसको हम कभी घुमाते नहीं। ऐसे ही अगर इस पाँव में है तो दोनों पाँव में करिए, क्योंकि इसका समानांतर पॉइंट दूसरे पाँव में भी होता है, तो उसको भी अगर हमने, जैसे अगर इस पैर में दर्द है तो इसमें भी करिए, वही जहाँ पर उसमें दबाया था वहीं इस पॉइंट को जो है प्रेशर करना है, और ऐसे पहले क्लॉकवाइज 3 बार, फिर एंटी क्लॉक, ऐसे। ये हमारा एक जो है एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय, जिनका जो पुरुष भाई हैं वो तो बूट पहन सकते हैं, जो बूट होता है पूरे पैर का यहाँ तक बंद करने वाला बूट जो है वो उससे पहनेंगे तो इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। जो जूता आता है ऊपर तक, एंकल को पूरा ढक दे यहाँ तक आता है, उस बूट को पहनने से ये दर्द धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे फौजी भाई जो हैं और जो NCC के बच्चे हैं, जो बेल्ट की नौकरी होती है, उसमें ज़्यादातर यहाँ से यहाँ तक के बूट होते हैं, जिससे पैर में ये क्रैम्प आने का कभी भय नहीं होता है, कभी डर नहीं होता है। तो ये ज़्यादातर क्रैम्प उनको आते हैं जिनका पैर हमेशा खुला रहता है, जूते नहीं पहनते हैं, चप्पलें जो हैं, अच्छा चप्पल सैंडल का भी आप देख लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि हम सैंडल पहन रहे हैं, चप्पल पहन रहे हैं, और कई बार वो गीली हो जाती है, वजन हो गया, और वो उसको पहनते पहनते हमें 1-1.5 महीना हो गया, उसके बाद में पता चला कि यहाँ दर्द आ गया। वो दर्द को ठीक करने के लिए ये एक उपाय मैंने आपको बताया, तो बूट पहन सकते हैं। तीसरा उपाय इसका है, सीढ़ियों के ऊपर, आप सीढ़ियों पे दोनों पंजे रखें
और एड़ी को जितना नीचे ले जा सके उतना नीचे ले जाए और ऊपर की ओर जितना खींच सके उतना खींचना है। इस तरीके से डाउन और अप, ये उपाय जैसे एड़ी जो है वो पूरी ऐसे खींचेगी तो ये जो नीचे की चैनल है ये पूरी खींचकर ऊपर वाली चैनल को अपनी लोकेशन में ला देगी। ये पूरा उपाय हमें करना, इस तरीके से पूरा ये खींचेगा। तो ये उपाय अगर हमने कर लिया तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। पहले दिन ही आपको 10-20% तो और फ़ायदा पहले दिन ही हो जाएगा। हम लोग इतनी इतनी चीज़ों के लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग घर पर कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे ऐसे प्रेशर भी कर सकते हैं इस तरीके से, जहाँ दर्द है वहाँ पर हल्का हल्का ऐसे दबाते दबाते और इस तरीके से पूरा मूवमेंट करेंगे। सुबह शाम दो बार आप करेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिलीफ महसूस हो जाएगा, हल्का होगा और पाँव का दर्द चला जाता है तो अपने आप ही चाल में जो है हमारी जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर पैर में दर्द है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है, क्योंकि चलने में भी लड़खड़ाहट है तो उसका कॉन्फिडेंस तो लड़खड़ाएगा। ये छोटा सा उपाय है, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हमारी नसों को और इनको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है तो ये हमें करना ही चाहिए। आज का ये छोटा सा टॉपिक था जो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है, और भी हम आपके लिए विषय लेकर आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, दीजिए इजाज़त डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।